वफाकी काबीना तहरीके लबैक पाकिस्तान ते पाबंदी बरकरार रखण जो फैसलो करे वरतो जॾहिं त पाक फ़ौज लाइ 75% स्पेशल अलाउंस ऐं ईद ते 3 ॾींहं मोकिलण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में 22 नुकाती एजेंडा ते गौर कयो वियो। इजलास में काबीना खे ॿुधायो वियो त कमेटीअ तर्फ़ां पंजाब हुकूमत ऐं तंज़ीम जे मौक़ुफ़नि खे ॿुधण ऐं हक़ीक़तनि जी छंडछाण खां पोइ तंज़ीम ते पाबंदीअ जो फ़ैसिलो ऐं हक़ीक़तनि ते मेरिट हो। गॾोगॾु तंज़ीम ते पुलिस वारनि खे शहीद करण जा इल्ज़ाम बि आहिनि। इलाइक़ाई पुलिस ते तशदुद ऐं बाहि लॻाए जायुनि खे नुक़सान पहुचाइण जा पिणु इल्ज़ाम आहिनि। ॿिए मरहले में तंज़ीम जो चूंड निशान कैंसिल कराइण लाइ हुकूमत क़दम खणंदी, जेकी दहशतगर्दी रोक एक्ट तहत हूंदा। इजलास में हथियारबंद फ़ौजुनि जे अहलकारनि लाइ ख़ासि अलाउंस 2021 जी मंज़ूरीअ ते गौर कयो वियो ऐं जाइज़ो वठण खां पोइ पाक फ़ौज लाइ 15% स्पेशल अलाउंस जी मंज़ूरी ॾिनी वई। काबीना इजलास जे फ़ैसिलनि ते ब्रीफिंग में वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ॿुधायो त सिविल मुलाज़मनि खे अलाउंस मिलिया, पर गुज़िरियल 2 सालनि खां फ़ौज जी पघार में वाध न थी, तंहिं करे फ़ौज लाइ 15% स्पेशल अलाउंस ॾिनो पियो वञे। रेंजर्स ऐं FC मुलाज़मनि खे बि वज़ीर आज़म जे हुकम ते अलाउंस ॾिनो वेंदो। हुन चयो त मुल्क में कोरोना सूरत हाल खे ॾिसंदे NCOC 5 मोकलुनि जी तजवीज़ ॾिनी हुई, पर काबीना 3 मोकलुनि जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। ईद उल अज़हा ते 20 खां 22 जुलाई ते आम मोकल जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। तरीके लबैक पाकिस्तान नामी तंज़ीम के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से तंज़ीम की जानब से नज़र अफसानी की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने पेश की गई। काबीना को बताया गया कि कमेटी की जानब से पंजाब हुकूमत और तंज़ीम के मौक़िफ़ को सुनने और हकायक की छानबीन करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तंज़ीम पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला मेरिट और हकायक पर किया गया था। वफाकी काबीना ने जो कमेटी वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ इतफाक़ किया है और इनके ऊपर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। सो वफाकी काबीना से कहीं ज़्यादा जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स स्पेशली जो सिक्योरिटी नफरी है वो दरअसल अपोजिशन के लोगों के पास और सबका ब्यूरोक्रेट्स के पास थे। उनकी जो अब फैसला ये किया गया है उसमें कि अगले हफ्ते में एक जामे रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब के सामने लाई जाएगी और उसमें एक जो हमारे इस वक्त के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, कवानीन को रिव्यू किया जा रहा है और इसको रैशनलाइज़ किया जाएगा, इसको जो सिक्योरिटी है और इसके नतीजे में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। बड़े हमारे रिटायर्ड जज साहबान ने बेशुमार लोग जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने रखे हुए हैं, साबका वज़रा आज़म ने, वज़रा आला ने अपने साथ लोग लगाए हुए हैं। इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है। जो NCOC की ख्वाहिश थी कि 5 दिन की छुट्टियां हों, लेकिन वफाकी काबीना ने 3 दिन की 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियाँ जो हैं वही मंजूर की हैं।